अच्छी तरह से हम याद रखें कि जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो हर मानव की इच्छा होती है कि जब चाहे एकदम छोटा सा हो जाए कोई देख ना पाए जब चाहे इतना बड़ा हो जाए इतना बड़ा हो जाए पूछिए नहीं जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा हो जाए जितना हल्का होना चाहिए आसमान से भी हल्का हो जाए इतना भारी हो जाए जितना भारी होने की उसकी इच्छा हो और जो कुछ चाहे वो मिल जाए उसको और जिसको चाहे उसको वश में कर ले उसकी संपूर्ण हृदय की इच्छाएं पूरी हो जाएं और ईश्वर के साथ एक हो जाए ये हर मानव की इच्छा है ये इसको अष्ट सिद्धि कहते हैं जब योग ध्यान करते हैं तो अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं चलो अष्ट सिद्धियां पाने के लिए योग ध्यान करें तो कभी नहीं मिलेंगी क्रियायोग ध्यान करिए क्रियायोग जानने के लिए क्रियायोग में इतना रम जाइए कि अष्ट सिद्धियों को भूल जाइए अष्ट सिद्धियां लाइन लगा के खड़ी हो लेकिन हम क्रियायोग को ही सर्वाधिक प्रेम करते रहे तब अष्ट सिद्धियां मिलती भी हैं और टिकी भी रहती हैं अच्छी तरह से याद रखिए हिरण कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था जिसको संपूर्ण सिद्धियां मिल गई थी केवल एक छोड़ करके ईश्वर तो नहीं था जब ईश्ष्वित तो नहीं था तो उसको कैसे पाएगा तो उसको पाने का जब और साधना किया प्रयास किया जब परम शत्रु था परम मित्र बन गया तो परम शत्रु आदमी का कौन होगा दृश्य जगत में याद रखिए टाइगर देख के सब लोग डरते हैं शेर टाइगर देखते हैं तो एकदम कांप जाते हैं क्योंकि अगर वो पकड़ लिया वो पकड़ तो कोई छुड़ा नहीं सकता है लेकिन गोली भी मार दीजिए तब भी वो मार डालेगा अगर जो टाइगर या लायन जो हमारा खून चूसे मांस खाए तो और कुछ इच्छा ही न करे सिवाय आदमियों के खून और मांस की अगर परमित्र बन गया हमारे साथ साथ रहता है तो बहुत बड़ी चीज़ है ये तो हमें क्रियायुक्त ध्यान करके अहिंसा के उस सिद्धांत पर जवाते हैं तुम्हारी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है हम प्रहलाद की अनुभूति कर लेते हैं प्रकृष्ट हालात ब्लिस ये है जो होलिका पर्व मनाया जाता है और जब ये अष्ट सिद्धियां मिलती हैं तो उसी समय निधियां भी मिलती हैं कथनिक अष्ट सिद्ध निधि के दाता अष्ट सिद्ध निधि प्राप्त हो गई और कुछ नहीं पाना है तो अष्ट सिद्धि मिलने के साथ साथ नौ निधि मिलती है नहीं, जिसको अष्ट सिद्धि मिल जाती है फिर अष्ट सिद्धि के पीछे वो नहीं रहता है अष्ट सिद्धियाँ उसके पीछे होती हैं आप क्रियायोग को पकड़े रहिए अष्ट सिद्धियाँ आपके चारों तरफ घूमती रहेंगी अच्छी तरह से याद रखिए कि हम जीवन जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम क्रियायोग का अभ्यास करें बस और क्रियोग का अभ्यास हर समय करें हम जब बैठे हों खड़े हों चलते हों काम करते हों आराम करते हों कोई चीज़ सोच रहे हो, विचार रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो कैसे हम करेंगे सब इसकी चिंता न करिए बनत बनत बन जाइए प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए अपने आप हो जाएगा ये था आज का क्लास कल हम ये बताएंगे असिद्धियों को मिलने के साथ साथ हमें नवनिधि की भी प्राप्ति होती है